हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रुबीना मंसूरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पानी पूरी बनाना। इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं मुंबई स्टाइल में हम पानी पूरी कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने मटर ले लिया, यानी कि वटाना ले लिया है 200 ग्राम, और इसको हमने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था। अभी हम इसको यहाँ बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें जितना वटाना है उससे डबल पानी रख दिया है, और हमने 1 स्पून इसमें सॉल्ट डाला है और 1/2 स्पून डाला है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। इसके लिए हमने कुछ ड्राई रोस्ट मसाले लिए हैं, इसको हमें ड्राई कर लेना है। हमने ले लिया है ज़ीरा और लिया है हमने साबुत धनिया और 6 हमने लाल मिर्च ले ली। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। और बस हमें इसको ठंडा करके पीस लेना है। तो ये मसाला हमें किस में डालना है? ये मसाला हमें डालना है वटाने में, मटर में। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट भी आता है। तो यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है रोस्ट, अब हमने इसको पीस भी लिया है मिक्सर में। अब हम देखेंगे अपने वटाने को जो पक चुका है। हमने इसमें एक आलू भी डाला था, इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे इसी वटाने में। और अच्छे से मैश करने के बाद हमने ये जो ड्राई रोस्ट मसाला बनाया है इसको हम डालेंगे 2 स्पून हम इसमें मसाला डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको अलग रख देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें वाटर भी डाला है क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही कड़क हो चुका है। इसको हमें ज़्यादा कड़क नहीं लेना है, थोड़ा सॉफ्ट हो रहना चाहिए। देखिए मिक्स होके ऐसा हो चुका है। अभी हमारा वटाना रेडी हो चुका है, यानी छोले मसाला। अब हम इसमें थोड़ा गार्निशिंग के लिए हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। तो वटाना हमारा मटर का रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको हरा पानी बनाना, यानी कि पानी पूरी के लिए पानी तो बनाना ही है। यहाँ पे हमने कुछ चटनी के लिए सामान ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए, कुछ लहसुन की कलियाँ ले लिए, थोड़ा हरा धनिया और नमक डालेंगे इसमें। इसको पीस के हमने चटनी बना ली है और इसका हमें वाटर बना लेना है। अब जितनी चटनी है उसमें हमने 1/2 स्पून सॉल्ट डाल दिया है। अभी हमें इसमें डाला है 1 स्पून चाट मसाला। आप इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर पाउडर, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा स्पाइस मसाला नहीं चाहिए, हम मीडियम खाते हैं। तो ये देखिए हमारा ग्रीन वाटर तो रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे मीठा पानी। तो उसके लिए हमने ले लिया है गुड़ और कुछ इमली ले ली है, और वहाँ ले लिया है हमने पिसी हुई शक्कर थोड़ी सी। अब हम इसको मिक्सर के जार में डालकर अच्छे से पीस लेंगे। इसको पीस कर हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और हमने एक पैन रख दिया है, स्लो हीट पर इसको पकाना है हमें। ये पैन में हमने मिक्स किया हुआ डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। अभी हमें इसमें क्या क्या डालना है वो हम आपको बताते हैं। 2 पिंच हमने ले लिया है फूड कलर, इसमें फूड कलर मस्ट है, वो डालना है। तो फूड कलर डाल के हम इसको पकाएंगे। इसको आपको अच्छे से पका लेना है, 2 से 3 उबाल तो ज़रूर आना चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थिकनेस के लिए सॉल्ट, 2 पिंच सॉल्ट डालेंगे, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है इसमें, नमक। और इसको हमें पका करके रख देना है थोड़ा ठंडा होने के बाद। ये देखिए 5-6 मिनट तक हमने इसमें उबाल लगाया है और ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। अभी हमने इधर एक पैन में ऑयल गर्म करने भी रख दिया है। हमारी पूरी रेडी होने वाली है, यानी गोलगप्पा। तो हमारे गोलगप्पा भी रेडी है। तो यहाँ पर हमने बटर मटाना निकाल लिया है और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ऑनियन और मिला दी है। ये हम तभी मिलाते हैं जब हम इसको सर्व करेंगे, इसीलिए हम सर्व कर रहे हैं। अब हमने इसमें ऑनियन और हरी मिर्च भी अच्छे से मिला दी है। तो इधर हमारा छोला मसाला रेडी है और ग्रीन वाटर भी और रेड मीठा पानी भी और पानी पूरी भी हमने तल ली है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये
गोलगप्पे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।